स्वागत है मेरे चैनल विभू मस्त बोलो में। ओके स्वागत, बाजू वाले एक भैया, उनकी शादी है तो मैं आपको दिखाता हूँ घरवाल में कैसे बना। तो देख सकते अभी पकौड़े उधर बना रहा है। सो ये मेरी मम्मी भी पकौड़े बने हैं, देख सकते हैं। मम्मी चलेगा कब ठीक है। सो देख सकते अभी तो ऐसे परम्परा होती कि अभी ऐसे पकौड़े बनाने होते हैं। सो और ऐसे आपको ऐसे ही बनाना होता है और कितना अच्छा भी लगता है। सो देख सकते हैं। और ये हमारे तो हम मैं गलवारी हूँ तो गलवाली लोगों को ऐसे ही करना होता है। सो हाँ गाइस, मैं एक चीज़ बताना भूली था कि आपको दाल पीस कैसे पकौड़े बनाना था और बहुत अच्छा। और अब वो पकौड़े ही आप प्रसाद के लू भी करते हो यूज़। सो और हम बीच में वो भी अगर दे सकते हैं कितने टेस्टी पकौड़े बन रहा है। और लास्ट में मेहंदी भी लगाते हैं दे सकते हैं सकते हैं। सो और मज़ा भी आता है, फन भी आता है और खाने में भी टेस्टी था। और दे सकते हैं गाइस, इन लोगों ने चाय, ये लोग वेट कर ले कि चाय के साथ पकौड़े को भी खा लिया और अभी पकौड़े बन भी ले दे सकते हैं। तो ये बहुत क्रिस्पी होता है, टेस्टी भी होता है और बहुत इंतज़ार कर ले दे सकते हैं। वो जो आपको दिख रहे होंगे तो वो जो लेफ्ट साइड में वो है जिसने अभी हाथ हिला है, वो उनकी शादी हो रही है। सो दे सकते गाइस, और वो दिखने में भी बहुत क्यूट है। और ये देख सकते हैं उनकी मम्मी पापा है। और देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा व्यू है, सुंदर सा नज़ारा, अति सुंदर देख सकते हैं गाइस, बहुत सुंदर है सकते हैं। वाह यार, मैं तो मतलब इधर से मैं खुश हो गया। और देख सकते और देख सकते गाइस कितना मतलब क्या बोलूँ। और गाइस अभी मैं आपको दिखाता रहा। हाँ गाइस देख सकते हैं अभी अभी ये देख सकते हैं अभी हम ये भैया और ये लोग ऐसे फोटो खींचा रहे थे सकता है। मैं सोलह सा सिनेमा है तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, दिल से बहुत अच्छा लगता है। सो देखते और मतलब मज़ा आ गया था उधर तो शादी में। और देख सकते हैं ये वो दोनों भाई है और ये बीच में उनकी मम्मी है। और मतलब मुझे तो फ़ोन आया था और कल उनकी शादी है। सो देख सकते और ये देखो मेरी मम्मी का फेस में हो गया ये। और ये लोग भी फोटो खींचा रहे थे, पापा भी तो बना रहे थे दे सकते कि इसमें क्या कर लो। आ सकते कैसे कभी खुशी कभी गम, बस हो गया कॉपी लाइट हो जाएगा। ओ वाह यार, मम्मी ने मुझे ऐसे क्या निकाली थी दे सकते कैस। ये मेरी मम्मी है और कुछ कह दे सकते हैं। अभी ये भैया है जिसकी शादी वाली मम्मी, उनको मेहंदी लगा रही थी। मम्मी को मेहंदी बनाने आती है, मम्मी बहुत इंटेलिजेंट है जो भी समझ लो बेटा बोला था। हाँ गाइस, मैं भूल गया था कि माइक लगाना, बट तो अभी आपको अच्छी आवाज आ रही है। हेलो माइक टेक माइक टेक ओके। सो कह दे सकते हैं और मेरे पापा भी सोनी सी उस साल तो मैं मेहंदी लगा रहे थे। हाँ मतलब अलग अलग मेहंदी हो जाएगी गाइस। मुझे हंसी हंस के लगे कि अभी मैम ही आऊँगा। मैंने मैम दे रही थी फोटो के लिए सीखी थी। और हाँ ये देख सकते हैं, मुझे बहुत शर्म सी आ रही थी बट कोई नहीं। ये देख सकते हैं ये मेरे पापा ने हल्दी लगे सॉरी मेहंदी कह सकते हैं, नाच ले ये लोग। सो बेचाली बच्चे
अच्छी सोचने की थी क्या है बट टू थी ये पर जगह तो खाली है तो ऐसा हो जाएगा बहुत अच्छा भी लग रहा था तो मतलब गाना चला रहे हैं एडिटर हाँ चिल्लाता हूँ ज़्यादा बोल मत ठीक है चलो चिल्लाए मत लगाता लग दो गाइस क्या बार बार गाना सुन के पक गए हो कि इसके अलावा भी मेरी आवाज़ भी सुनी है सो इधर होता ही है कि ये बच्ची भी नाचते हैं कि मोर मैं तो ना नाच ली पर वो नाच तो सकती नहीं थी उसको छोटी सी टूटी मम्मी ने उसको नचवा लिया और नीचे क्या लेकर लिया देख सकता साले के साले लोग वीडियो बना रहे थे तब आधे ज़्यादा लोग तो वीडियो ही बना रहे थे और साले के साले सब ये आपको गाना सुनेंगे ओ ये देख सकता है इसमें पापा और मैं अब मुझे